कुछ ना, कोई दिक्कत नहीं नहीं। पता मोनी, मैं इसको 2 साल से देख रहा हूँ, इसको चीजों से सपोर्ट है मोनी। रोना आता अपने भाई की मेहनत देख के। मैं जा रहा हूँ, ग्रुप में नहीं रहूंगा। माझा पॅटर्नच वेगळा आहे. हॅलो, कैसे हो आजकल? यूट्यूब में आप इतना एक्टिव क्यों नहीं रहते हो? क्या करूं, इतने सब्सक्राइबर, आजकल अपना दिन खराब चल रहा है। आपको तो बोल रही हूँ ना, बेकार में उस चैनल में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, कोई बंदा एक्टिव नहीं रहता है। बेकार में आप इतना मेहनत करके फिर से बोल रहे हो कि रैंक पुश करोगे। इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो यूट्यूब, सिर्फ गेम में फोकस करो, और क्या है कि नहीं शिवम? हाँ शिवम तो मेरी हेल्प करता ही है हर सीजन, लेकिन क्या है ना कि किसी ना किसी दिन अपने को सफल होना ही है। हाँ तो कितना टाइम लगेगा सपोर्ट पाने में? आप तो इतने दिन से तो मेहनत कर रहे हो ना, तो कहाँ सपोर्ट मिल रहा है आपको? वही तो बोल रही हूँ ना, बेकार में आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। उससे अच्छा आप गेम में ज्यादा फोकस कर लोगे तो कुछ तो गेम में सही हो जाएगा। फिर देखो जो भी अपने 1K 2K वाले, मतलब जितने भी व्यूज आते हैं उनकी सबकी कमेंट पड़ती है कि अच्छा वीडियो है, ये वीडियो है, बस बाकी और मतलब अपनी रीच नहीं बढ़ रही है, बाकी कुछ नहीं। उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा ना अभी। हाँ लेकिन आप फिर से बोल रहे हो कि रीजन के लिए फिर से आप रैंक पुश करोगे। हाँ वो तो करूंगा ही। अब फायदा तो उसमें तो नुकसान ही है अपना, लेकिन बाकी हो गए जैसे अपन चूते जैसे वीडियो डाल के तो नहीं हो सकते ना कुछ। जैसे हो गया वो ग्रैंड मास्टर प्लेयर कॉल मीनू, और वो पूरे दिन भर खेलना और सब हेडशॉट डालना, मतलब हेडशॉट मोंटेज हो गई, वो तो अपन नहीं कर सकते ना। जो भी है अपना फेयर तरीके से आप जो कर रहे हो, लेकिन उसमें तो आप भी मेहनत कर रहे हो ना। आप जितना भी वीडियो बनाते हो तो उसमें आप मेहनत कर रहे हो। उसमें अगर कोई व्यूज ना आए, सब्सक्राइब ना करे कोई, तो मतलब बुरा तो सबको लगता है ना। अध्यापक कुछ हो ही नहीं, तो बुरा लगता है। और वो भी बात है ना, तू पूरे 24 घंटे के लिए खेल के आईडी कैसे करेगा वीडियो, ये भी सोचना। 24 घंटे खेलेगा भी आईडी, वीडियो भी एडिट करेगा, वीडियो भी डालेगा, उसके बाद तेरे को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेगा? मतलब छोड़ दे मंगेश यूट्यूब, अपना रियल लाइफ पे थोड़ा फोकस कर। गेम के चक्कर में मत पड़ थोड़ा। नहीं मैं छोड़ तो देता, लेकिन यार इतना तो सब्सक्राइब हो गए तो अभी छोड़ने का मतलब एकदम सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं मैं। अभी तो कोई फायदा नहीं है ना, कौन एक्टिव रहता है आप बताओ? आपका जितना व्यूज भी आता है उसका आधा बंदे सब्सक्राइब करते हैं, नहीं करते ना, देख के चले। कोई तो मतलब। हाँ वो बात तो तुमने सही की, तभी भाई तभी छोड़ दे, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है उस प्लेटफॉर्म पे। जो मेहनत करोगे, इतना मेहनत करके वीडियो बनाओगे, वीडियो बना के फिर आप पूरा दिन जाग के रैंक पुश करोगे, फिर वीडियो एडिट करोगे, फिर आप पोस्ट भी करोगे, करने के बाद अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मेहनत ही तो पानी में गया ना। हाँ वो तो बात है, लेकिन चलो एक बार एक मतलब एक सीजन तो देखूंगा अगला, ट्राई करके क्या मतलब हो सकता है। तो आप तो सीजन 12 से आप रैंक पुश कर रहे हो ना भैया? हाँ सीजन 12 में आप टॉप 10 के अंदर थे। हाँ उसमें क्या हो गया उसके बाद? तो कंटिन्यू कर रहे थे उस समय, तो अच्छे खासे व्यू पड़ रहे थे, इसलिए मैंने कंटिन्यू किए तो अच्छा खासा रिस्पांस आ रहा था उस समय, लेकिन अभी क्यों नहीं आ रहा पता नहीं मेरे को। हाँ तो सीजन 13 में पुश किया मंगेश भाई, क्या मिला? कुछ मिला क्या तुमको? नहीं मिला ना कुछ, बहुत मिला सीजन। चलो तुम सीजन 13 की बात छोड़ो, सीजन 14 में भी पुश किया, टॉप 3 किया भाई अकेले, ना कुछ सपोर्ट ना। तो फिर सीजन 15 पे भी तुमने इस बार टॉप 3 किया था, अभी हम जॉब कर रहे थे।
नहीं, सीजन 15 में, सीजन 15 में हां टॉप 3 किया था। फिर तब क्या मिला भाई? कुछ नहीं मिला तब भी, कोई रिस्पांस नहीं। फिर से आप करोगे बोल रहे हो, तब भी कुछ नहीं मिलेगा? मतलब पूरा 3 महीने की 2 महीने की मेहनत तेरी ऐसी बेकार जाती है, तेरे को अच्छा लगता है क्या? अभी भी बोल रहा है पुश करूंगा। और मेरा तो दिल तब टूटा था, अभी सबको पता लग गया कि अंकुश का ये हो गया सीन। दो दो बंदे आईडी से खेल रहे थे, दो दो बंदे एडिटिंग कर रहे थे, तो मेरे को तो पहले से पता था, लेकिन अभी पब्लिक को नहीं पता था तो अपन क्या करते। लेकिन अपन तो वन मैन आर्मी है, वही तो, ये तो वन मैन शो है तेरा, तो कोई चीटिंग नहीं करता सिर्फ उन लोगों के चैनल पे 2-3 दिन से मेहनत कर रहा, अकेला मेहनत कर रहा, उसके बाद भी कोई सपोर्ट नहीं है। हाँ देख लो गाइस, मेरे इसमें एडिट चैनल मतलब एडिट करके रखा होगा इधर, हर एक वीडियो देखो इधर, वीडियो एडिटिंग भी मैं खुद ही करता हूँ सब कुछ। सपोर्ट जीरो। आप खेलते अच्छे हो, वीडियो अच्छा बनाते हो, सबसे अच्छे से बात भी कर लेते हो, सब्सक्राइबर्स के साथ खेलते हो, सब कुछ आप करते हो, लेकिन सपोर्ट कहाँ है आपका? आप बताओ, खुद ही बताओ ना। हाँ वो बात है, रिच नहीं बढ़ रही है फिलहाल तो, पता नहीं यार क्या ही तो सीन है। यूट्यूब में आने के लिए दिमाग चाहिए होता है, मेरे को तो लगता है कि दिमाग चाहिए। बेड बचाओ क्या पता, दिमाग नहीं भाई, बेकार लोगों के गेम प्ले ज्यादा व्यूज जाते हैं। दिमाग यूट्यूब में आने के लिए क्या चाहिए होता है? आज तेरी 4 वर्सेस ग्रैंड मास्टर वर्सेस नोब एडम वर्सेस नुल्ला, ये चाहिए होता है बेटे। ये बात सही कही भाई तुमने, ये तो मेरे को भी लगा था। मैंने जब पूरी ये मतलब सर्च किया ना यूट्यूब पे क्या क्या टॉपिक पर वायरल जा रहे हैं, एक वीडियो 2-3 मिनट का होता है उसमें व्यूज मिलियन जाते हैं। हाँ। अरे मेरे को ये समझ नहीं आता है मंगेश भाई, बंदे मतलब देख कैसे लेते हैं? पूरी वीडियो स्क्रिप्ट होती है, एक बंदा 4 को कैसे मार देगा ये बताओ, वो भी हर राउंड में। हाँ, एक राउंड में तो, एक राउंड में तो हो सकता है, लेकिन यार ग्रैंड मास्टर के प्लेयर ग्रैंड मास्टर के होते हैं भाई, ऐसे तो नहीं मर सकते ना किसी के भी हाथों। लेकिन एक एडम के सामने मर जाता है जिसमें कोई स्किल नहीं है, कुछ ना है, बंदा कई बार स्क्रिप्टेड बोल देता है, बस करो वर्सेस को कर लिया, टाइटल में वो हो जाता है और बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाता है हरमनी बाबा दुर्मनी। बस वीडियो वायरल ना, लेकिन आपका मेहनत कौन देख रहा है आप बताओ? आप इतना मेहनत कर रहे हो, रैंक पुश कर रहे हो, खाना पीना छोड़ के सब कुछ कर रहे हो आप यूट्यूब के लिए, अपने फैंस के लिए, फॉलोअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, कुछ ना हो। नहीं मेरे को तो मतलब रोना तो आता है, लेकिन जो 1000 जो देखते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनके लिए करता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी लाता हूँ, कि वो बोलते हैं मस्त वीडियो है ये वीडियो, तो उससे थोड़ा मोटिवेट मिलता है बाकी तो। लेकिन वो लोग शेयर थोड़ी ना करते आपकी स्ट्रीम को, आपके वीडियो को, वो तो नहीं करते ना कि वो लोग कमेंट करके सारे नहीं जाते। करते, लेकिन होते हैं 2-3 बंदे अच्छे जो शेयर कर देते हैं कभी कभी। लेकिन ज्यादातर तो करते नहीं है ना, अगर 100% में देखा जाए तो 2% या 3% लोग ही करते हैं शेयर, बाकी तो करते ही नहीं है, देख ही निकल जाते हैं और क्या। भाई मंगेश तेरे लिए यूट्यूब नहीं बना है, तू छोड़ दे यूट्यूब को, तेरे बस की बात नहीं है, नहीं तेरे को कोई सपोर्ट मिलेगा इधर, बस यहाँ पे चलेगा सिर्फ डीजे वर्सेस एडम, प्रेमिस वर्सेस नुल्ला, आजा 1-4 में मैंने किसको पहला है आज दिखा देता हूँ दम नुल्ला का। मतलब भाई, मतलब मंगेश भाई आप सोचो भाई, 500 रुपए के आलोक टॉप अप करके हम आलोक लेते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं है, एडम से ही खेल लेंगे 4 को मारते हैं जब। हाँ वो भी तो है, किसी किसी ने तो ऐड आलोक आलोक का गिव अवे कर करके चैनल भी खड़े कर लिए भाई। यूट्यूब में सबसे ज्यादा जो वीडियो देखा प्रैंक वीडियो है, एडम लेके आते हैं फिर अपने रियल आईडी से आते हैं, क्यों भाई अपनी रियल आईडी से खेल ले, प्रैंक क्या प्रैंक, वो भी स्क्रिप्टेड ही तो होता है ना। समझ लाओ भाई, अब तुम्हारे लिए यूट्यूब नहीं बना, ये गेम प्ले के लिए जमाना नहीं है, जिसका चल गया वो चल गया, तुमको नहीं कोई सपोर्ट करेगा भाई। सो गाइज, इन दोनों का तो यार एक ही डिसीजन है कि मैंने अगले सीजन पुश नहीं करना चाहिए। तो गाइज आपकी क्या राय है मेरे को कमेंट में बताना ज़रूर यार, क्योंकि मैं भी एकदम कंफ्यूज हो पड़ा हूँ, क्योंकि
यार चैनल पे व्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हो गाइज 182K सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपने, लेकिन यार चैनल पे व्यूज़ बहुत ही कम है, मतलब क्या ही बताओ। लेकिन जो भी चैनल को देखते हैं गाइज दिल से शुक्रिया यार गाइज, थैंक यू सो मच। और जो भी अपनी कमेंट एकदम प्यारी प्यारी से कमेंट जो लिखते हो यार, बहुत अच्छा मोटिवेट मिलता है, उसी वैसे ही करते रहो यार मोटिवेट। मैं भी वीडियो लाते रहूँगा, देखते गए जब तक हो सकता है मैं तो करूँगा यार एक नंबर, मतलब अगले सीजन भी टाइम खुश करेंगे गाइस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी देखेंगे उतने कोई नहीं, बस यार गाइस शेयर करते रहना गाइस वीडियो को, क्योंकि अपनी रीच बहुत ही कम है, बस शेयर करते रहना सब लोग। और थैंक यू यार गाइस, लव यू ऑल।